हेलो फ्रेंड्स, माय स्वीट हेलो। स्वीट फ्रेंड्स। मेरा बेटा हंस रहा है क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो है। ये मेरा छोटा सा घर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा रेंटेड हाउस है या मेरा खुद का घर है। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं। आज उसका मुहूर्त निकला है। ये मेरा छोटा सा घर है। खाना बन रहा है। आज मैं खाना बनाने में लेट हो गई। ये मेरा छोटा सा फ्रिज है। एक सेकेंड में लाइट जलाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपना घर दिखाना चाहती हूँ, पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैं गुजरी हूँ। लाइट बंद कर देती हूँ। लाइट की बचत करनी चाहिए और पानी की भी बचत करनी चाहिए। ये एक और रूम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं फिर से और वीडियो डालूं कि नहीं डालूं। कल मैंने पोछा लगाया था तो मैंने पोछा यहीं रख दिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद मेरा यही है। मैं काफ़ी लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस देखती आ रही हूँ 2-3 सालों से, और सबका यही नज़रिया है। मैं उनको गलत नहीं कह रही, पर सबका यही है कि हम हेल्थ कैसे बनाएं, हम अपने फिगर को कैसे मेंटेन करें। लेकिन वो सब ज़रूरी है, मैं गलत नहीं कह रही उसको, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है हमारी शरीर से बढ़कर हमारी आत्मा, जो कि अविनाशी है। वो हमेशा अनंत काल तक जीवित रहेगी। क्या हम उसे उसकी केयरिंग करते हैं, हमारी आत्मा की? हम लोगों के लिए बुरा बोल देते हैं, हम लोगों की बुराई करते हैं, वो नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर हमारा सुनता है। गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में कि अपनी आत्मा की भी केयरिंग करें हम। ना हम गलत सोचें, ना हम गलत बोलें, ना हम गलत देखें। कई बार हो जाता है ऐसा, हम मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम परमेश्वर के सामने जाके माफ़ी मांग सकते हैं, और उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांग सकते हैं जिसके प्रति हमारे मन में विरोध है, या कुड़कुड़ाहटपन है, या जलन है। फ्रेंड्स, में आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना, और भी बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपसे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अपना वीडियो बनाऊं और आपके सामने आऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, लव यू।